लेकर भ्रांतियों को दूर करते हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। करनाल स्थित संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनमोहन चौहान ने बताया कि हम तमाम तरह के रिसर्च देख चुके हैं और लगातार देख रहे हैं। देश के साथ दुनिया भर में क्या चल रहा है उस पर लगातार फोकस है, लेकिन आज तक कहीं से भी ये कंफर्म नहीं हो सका है कि कोरोना पशुओं में भी फैलता है या फिर पशुओं से भी फैलता है। पशुपालकों को डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरते, अफवाहों पर ध्यान ना दें। संस्थान की बात करें तो यहाँ पर करीब 2500 पशु हैं। पिछले 2 माह से एक भी पशु की मौत नहीं हुई है। डॉक्टर चौहान ने कोरोना वायरस को लेकर डेयरी इंडस्ट्री पर पड़े प्रभाव और किस प्रकार के पशुपालक इस दौरान ध्यान रख सकते हैं को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संस्थान के अंदर 2500 के करीब मवेशी हैं, जिसमें दुधारू पशुओं के साथ साथ मुर्रा नस्ल की भैंस और देसी नस्ल की गाय भी है। उनका अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है उनको बकायदा मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। निदेशक ने कहा कि कोरोना के चलते डेयरी इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है, क्योंकि काफी मात्रा में छोटे उद्योग दूध को सप्लाई नहीं दे रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री में सुधार के लिए उनको चाहिए कि जो दूध उनके पास है उससे पनीर या फिर पाउडर व अन्य प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पशुपालकों को चाहिए कि वे पशुओं का ख्याल रखें, सुबह और शाम दोनों समय उनको साफ पानी से स्नान कराएं, पशुशाला में जाने से पहले हाथों को या तो सैनिटाइजर से या फिर साबुन से धो लें। पशुशाला में कम से कम लोग प्रवेश करें। दुधारू पशुओं को मिनरल मिक्सचर दें। साथ ही दूध निकालते समय पशुओं के आसपास साफ सफाई जरूर बनाए रखें। डॉक्टर चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एक है। हमारे पास टेस्ट के लिए 2 मशीनें थी, एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और दूसरी रोहतक PGI को दी गई है। करनाल स्थित मशीन से 7000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। प्रशासन या फिर सरकार को जहां भी NDRI संस्थान की जरूरत होगी वे हमेशा तत्पर रहेंगे। देखिए, जहां तक जानवरों के का सवाल है, जो ये जो हमारा कोरोना वायरस की हम जब बात करते रहते हैं, COVID-19 की बात करते हैं, तो अभी तक जो रिपोर्ट ये कहती है कि जानवरों में ये कहीं नहीं फैल रहा है और ना जानवरों में ये बीमारी आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंसानों में तो फैल रहा है, आप लोग सभी जो जानते हैं, और उसके लिए हमें जितनी भी सावधानी हमारे भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से हम लोगों को मिल रही हैं उसको अपनाएं। और जो जानकारी ये है कि जो 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 हमारे पास जो एडवाइजरी ऐसा है कि आप एक तो अपना मास्क लगा कर रहें, हर समय दूरी बना कर रखें, एक दूसरे से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और उसके अलावा आप समय समय पर अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, आप हाथ धोते रहें, साबुन से हाथ धोएं। और जानवरों के बीच में भी जैसे आपने जाना है, जब कभी जो जाना है तो अपने आप को साफ रखें, मास्क पहन कर रखें और हाथ को जो साफ रखें। और जो भी अगर आपने जैसे जानवरों से दूध निकालना है उस समय भी ये साफ सफाई का ध्यान रखें। और ऐसा कुछ है नहीं कि जो जानवरों में ये बीमारी जो है ट्रांसमिट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिपोर्ट भी नहीं है। इसलिए आप जितने भी किसान भाई हैं या जितने भी हमारे जो है पशुपालक हैं, उनसे मैं यही एडवाइजरी मेरी ओर से रहेगी कि आप बिल्कुल ना घबराएं, ये पशुओं में कोई भी ये बीमारी जो है ट्रांसमिट नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपने जैसे दूध में जब आपका साफ सफाई का आप ध्यान रख रहे हैं और आप जो है अपने मास्क लगाकर हैं, काम कर रहे हैं, या जो भी वर्कर है जो जानवरों के साथ में जुड़ा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखें तो दूध में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता ही। तो आप इस चीज़ से अपने आप को इस ये मानकर चलें कि ऐसा ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो जानवरों के दूध में या जानवरों में ट्रांसमिट होगी। तो भाई पशुपालक अपना देखो, सीधी सी बात है कि पशुओं का रख रखाव आप ठीक ढंग से रखें। आप आगे जो गर्मियों के दिन आ रहे हैं जैसे, तो गर्मियों के दिन में सबसे बड़ा यह है कि आप उसके जो 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 है उनको ठीक ढंग से रख रखाव करें, उनके ये जो आपकी उसकी जो उनका हाउसिंग है उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि जो है जानवरों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी भरपूर पिलाएं। उसके साथ साथ जो है अगर दुधारू जानवर हैं तो मिनरल मिक्सचर और उसके अच्छा फीड का आप इस्तेमाल करें,
और फीड के जैसे हम कहते हैं, अगर 10 किलो की आपकी गाय है, 10 किलो दूध देती है, तो आप कम से कम 3 किलो उसको फीड दें, 50 ग्राम के लगभग उसको मिनरल मिक्सचर दें, और उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी दें, घास दें और चारा जो होता है, उसके बाद जो हरा चारा सूखा चारा दें, तो उसका अगर आहार का हम जो ध्यान रखेंगे तो दूध के उत्पादन में कोई कमी नहीं आने वाली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.